हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के डायलर में जाएंगे। डायलर में जाने के बाद में यहाँ से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलर आईडी एंड स्पैम का। आपको इसे ऑन करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलर एंड स्पैम आईडी। आप इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पर ट्रू कॉलर की जगह पर काम करता है। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ब्लॉकेड नंबर्स का। आपको यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अनोन का। यहाँ पर आपको अनोन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऐड नंबर का। आपको ऐड नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी पर्सनल नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन में नंबर डायल करके ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट का। कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लैश ऑन कॉल का। आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपके फ़ोन में जब भी कोई कॉल आती है तो आपकी फ्लैश ऑन हो जाती है। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कॉल फॉरवर्डिंग का। आपको कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड ऑन एंड कॉल फॉरवर्ड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडिशनल सेटिंग का। आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप अपने फ़ोन में यहाँ पर कॉल वेटिंग ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का। कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट। आपको इसे ऑन करके ऑलवेज रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सिलेक्टेड नंबर का। सिलेक्टेड नंबर्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर्स को ऑन करना है। ऑन करने के बाद में यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी पर्सनल नंबर कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप चूज़ अ कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिस्प्ले ऑप्शन का। डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट का कोई भी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम यहाँ पर शो करवा सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में एक ऑप्शन देखने को मिलता है साउंड एंड वर्जन का। साउंड एंड वर्जन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है हैप्टिक्स एंड टोन्स का। यहाँ से आपको सारे साउंड देखने को मिलते हैं। आप बहुत ही सिंपल तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वॉइस मेल का। वॉइस मेल पर क्लिक करके आप अपने किसी भी फ्रेंड से बात नहीं करना चाहते हो या बात नहीं कर सकते हो तो आप उसको वॉइस मेल सेंड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है फ्लिप टू साइलेंस का। आपको फ्लिप टू साइलेंस पे क्लिक करना है। आप इसे यहाँ से ऑन कर देंगे तो बहुत ही सिंपल है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।